अस्सलाम वालेकुम। जिस अस्सलाम मेरी आवाज आ रही है सबको? वालेकुम। हाँ आ रही थी। अच्छा, वेरी गुड। सबसे पहली बात तो ये है कि इस वक्त बात करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि ये ऐसा मौका है, स्पेशली कंडोलेंस का, और स्पेशली आपके दोस्त और अहबाब जो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा क्लोज रहे हैं आफ्ताब के साथ, उनके लिए तो और भी ज्यादा। मेरा ताल्लुक आफ्ताब से, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं सेंट्रल पेंसिल्वेनिया में हूँ, यहाँ पे यूएस में, और यहाँ पे मैं पीप्स कार्डियोलॉजी कर रहा हूँ। लेकिन आफ्ताब के साथ मेरा ताल्लुक बहुत ही रिमोट रहा, लेकिन एक, आपको पता है, इतना अरसा गुजर गया है और मेरा इससे कोई इंटरेक्शन तो नहीं रहा, लेकिन मुझे याद है मोइन ऑडिटोरियम में जब लेक्चर हुआ करते थे तो अक्सर करीब में जो लोग बैठे होते थे उसमें आफ्ताब भी होता था। कई दफा पिंडाल में आप लोगों से मिलते थे, हेलो हाय होती थी तो उसमें आफ्ताब भी होता था। तो बहुत ही मेमोरीज रिमोट हैं, लेकिन जितना भी वक्त थोड़ा बहुत इंटरेक्शन मेरा आफ्ताब के साथ रहा, वो बहुत ही आज भी उसकी परछाई मेरे पास मौजूद है, और उसके बाद मेरी कभी इंटरेक्शन नहीं हुई, तो एक बहुत ही डिस्टेंट गैप रहा। लेकिन मेरे लिए तो बहुत ही शॉकिंग था, तो मैं सब अंदाजा लगा सकता हूँ कि जो लोग करीब के दोस्त होते हैं उनके लिए कितना शॉकिंग होगा। बीइंग एज अ क्लास फेलो, और जो मेरी फीलिंग थी वो कमाल ने टेक्स्ट मैसेज में लिख दी कि वाज काइंड ऑफ नम थ्रू आउट द डे, और मैं तो, मुझे तो जुझरी आ रही थी कि ये वक्त सबके साथ आना है, लेकिन कुछ लोग जल्दी अल्लाह ताला बुला लेते हैं। तो ऐसे ऐसे में क्या किया जा सकता है सिवाय यही कि हम साले सवाब करें और जो उसके प्रोजेक्ट्स हैं उनको गामजन रखें। और लिटरली मेरे लिए कुछ भी कहना महाल है इस वक्त के उसके बारे में, और कुछ कहूँ क्योंकि वो एक, सब सिर्फ यही पता चल रहा है कि वो बहुत ही एक शरीफ और डेडिकेटेड बंदा था, और अल्लाह ताला जो है वो क्योंकि ऐसे लोगों को अपने ज्यादा प्यारे लगते हैं और उनको जल्दी बुला लेते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि सब लोगों को, कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को सब्र दे, और स्पेशली दोस्त अहबाब और जो रिश्तेदार और जो फैमिली है उन सब के लिए, कि वाकई ये बहुत तकलीफ दे मरहला है, और उसको सर्वाइव करना और जो है वो भी अल्लाह ताला ही अपने फजल व करम से अदा करेंगे। तो बस मेरे भाइयों और दोस्तों, एक दूसरे को दुआओं में याद रखें, एक दूसरे के लिए दुआ में अच्छी तरह एक दूसरे से मिलते रहें। मैं अपनी तरफ से बड़ी लैकनेस फील करता हूं कि अगर मैं पाकिस्तान गया तो मैं सबसे मिल नहीं सका। अमूमन वक्त इतना कम होता है कि आप अपनी फैमिली में ही लगे रहे और इतना दोस्तों में वक्त नहीं गुजारा कि लोगों का पता रहा, तो इसका मुझे रिग्रेट रहता है। और इसी तरह उसको कोशिश करूंगा कि आइंदा इसका ज़्यादा मुमकिन कर सकूँ। तो आमिर भाई, शुक्रिया अगेन, आपने सबको जमा किया, और ये काविश आपकी अल्लाह ताला कबूल फरमाए, इसमें आपके दर्जात बुलंद करे, और तमाम दोस्तों के जिन्होंने इसमें शमूलियत इख्तियार की उन सब के भी अल्लाह ताला दर्जात इंतव करे, और ख़ास तौर से आफ्ताब के लिए कि अल्लाह ताला उसको जन्नत में आला से आला मकाम अता करे, उसकी उसके जो अमाल हैं उनको अल्लाह ताला कबूल फरमाए, और उसको जन्नत अल फिरदौस में आला जगह अता करे।